नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य पंडित यतीश कुमार अपने YouTube चैनल वाई की प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अनेक रोगों में मकोए के चमत्कार के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको अपामार्ग जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अपामार्ग को लटजीरा भी कहते हैं, इसे चिटचिटा भी कहते हैं। इस पर ऐसे पत्ते आते हैं, इस हिसाब के पत्ते इस पर आते हैं और इस पर ऊपर को ये बालियां आती हैं। ये नया पौधा है, छोटा पौधा है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर ये बालियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इन पर ये कांटे से होते हैं। यदि आप इस पौधे के पास में होकर के भी निकल जाते हैं तो इसके कांटे आपके कपड़ों में स्वयं ही चिपक जाते हैं। तो दोस्तों, हम इसके आपको दो तीन ऐसे चमत्कारी प्रयोग बताएंगे जिन्हें आप यूज़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बवासीर के लिए बताएंगे। अपामार्ग के 10-12 पत्ते धो करके अच्छी तरह से साफ करके सिल पर पीस करके 100 ग्राम दही में मिला करके सुबह खाली पेट 8-10 दिन लगातार यूज़ करने से सभी तरह की बवासीर ठीक हो जाती है। नंबर दो, दोस्तों, ये अपामार्ग जो होता है खांसी के लिए बहुत ही रामबाण औषधि का कार्य करता है। यदि किसी को किसी प्रकार की खांसी है तो इसके पंचांग को सुखा लें और सुखा करके पंचांग को किसी कढ़ाई में जला करके इसकी भस्म बना लें और उस भस्म में, जैसे आपने 100 ग्राम भस्म बनाई है तो उसमें 1 ग्राम सेंधा नमक मिला लें और उसको अच्छी तरह पीस करके किसी एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख लें। 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम को गुनगुने पानी से प्रयोग करने से कुछ दिन में सभी तरह की खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों, तीसरा प्रयोग इसका यह है, जैसे भैंस जेर नहीं डालती है तो इसकी जड़ को लेकर के धागे में बांध करके सींग में बांध दें तो भैंस जेर बहुत ही जल्दी डाल देती है। जैसे ही भैंस जेर डाले तुरंत इसको खोल करके फेंक देना चाहिए, अन्यथा शरीर भी बाहर निकल सकता है। तो इस बात को ध्यान रखें और इसे सींग में बांधने के बाद वहीं आपको बैठना पड़ेगा और तुरंत इसको खोल करके फेंक दें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल वाई के प्राकृतिक चिकित्सा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण योग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।